ओके, दिस इज सैयद आरम जहां। हम आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे ये माइटोसिस यानी अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। लेट्स स्टार्टेड। सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल्स के तकसीम की सेल डिवीजन की एक किस्म है, जिसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन की कई अकसाम हैं और ये अकसाम सेल्स के टाइप की वजह से अलग अलग होती हैं। अलग अलग सेल्स होंगे अगर उनके, तो अलग अलग तरीका डिवीजन का भी होगा। आइए देखें सेल्स की अकसाम कितनी है। आप देख सकते हैं सेल दो टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक और नंबर टू यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के बगैर साइटोप्लाज्म में सेंट्रल के एरिया में, सेल के सेंटर के एरिया में मौजूद होता है। ठीक है, ये सिंगल क्वाइल्ड डी क्रोमोसोम है जो डीएनए का बना होता है। इनकी एग्जांपल्स में, ऐसे तम सेल्स की एग्जांपल्स में बैक्टीरिया हैं और आर्काई बैक्टीरिया हैं। ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आर्काई बैक्टीरिया एक अलग फाइला के तौर पर पहचाना जाता है और इसके इसमें जो करेक्टर्स हैं, इसमें जो एमआरएनए यानी आरएनए और डीएनए के सीक्वेंसेस चेंज होते हैं नॉर्मल कॉमन बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं प्रोकैरियोट्स की। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि ऐसे सेल्स हैं जिनके दरमियान एक प्रोमिनेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी मौजूद होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज होता है, बंद होता है, और ये ही निशानी है यूकैरियोटिक सेल्स की। इनमें एग्जांपल्स में आप देख लीजिए प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल आपके पास फंजाय है। ठीक है, नॉन क्लोरोफिक क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है, ये सारी एग्जांपल यानी लार्ज यूनिसेलुलर से लेकर लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सेल्स में डिवीजन कैसे मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसी डिवीजन होंगी, जो डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी न्यूक्लियस के बगैर वाले सेल्स में होगी वो फिजन कहलाती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में सेल्स बहुत छोटे, उमूमन 1 से 10 मिलीमीटर के होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें सेल डिवीजन फिजन के ज़रिए होती है और नए बनने वाले डॉटर सेल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के सेम टू सेम होते हैं। इसके अलावा वो अपने पेरेंट सेल के भी आइडेंटिकल होते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब, बाई माने दो, बाइनरी फिजन का मतलब है कि एक से दो बनेंगे। फिजन तकसीम होने को कहते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने कभी पढ़ा होगा फिजन और फ्यूजन। तो बाइनरी फिजन जो है उसमें एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे। इस अमल को, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, लेकिन इनको हम समझने के लिए 4 स्टेप्स में जाहिर कर सकते हैं। नंबर ए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द सेल। रेप्लिकेशन कहते हैं फोटोकॉपी बनने को। ठीक है, डीएनए की एक फोटोकॉपी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी तैयार होगी, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है। अच्छा, अब डीएनए किस शक्ल में होगा इन सेल्स में? यूजुअली सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एक वाहिद
गोल घुमा हुआ क्रोमोसोम है जो जो जिसकी एक पहले स्टेप में पहली एक कॉपी बनेगी। नंबर बी, अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमोसोम कॉपीज टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से पहले दोनों कॉपीज बन गई, फिर दोनों कॉपीज सेल मेम्ब्रेन पे मुख्तलिफ जगह पर अटैच हो जाएंगी, ठीक है। नंबर सी, एलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल अपने साइज में बड़ा होगा, जब साइज में बड़ा होने के लिए उसकी सेल मेम्ब्रेन को भी स्ट्रेच होना पड़ेगा, वो भी खींच के बड़ी हो जाएगी, तो इस तरह साइज सेल का बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स भी अपने आप को ग्रो करेंगे, उनमें भी ग्रोथ मौजूद होगी, ठीक है। और डी पार्ट में क्या होगा कि सेपरेशन होगी दोनों क्रोमोसोम्स की, सेपरेटिंग द टू क्रोमोसोम्स एंड देन द होल सेल विद द सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए। उसके बाद ये हम अपना आपको समझाने के लिए तस्वीर में बताते हैं कि ये एक पेरेंट सेल है जो प्रोकैरियोटिक है, इसका क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम है जो सेंटर ऑफ द सेल मौजूद है, उसके चारों तरफ ब्लैक कलर में जो आप शो कर रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर एक कोट वॉल मौजूद है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। अब पहला स्टेप क्या था कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एक की दो कॉपीज बन गई, ठीक है, ये पहला स्टेप। उसके बाद क्या होगा, अटैचमेंट टू द सेल वॉल, आप देखें दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर मुख्तलिफ जगह पर सेल वॉल से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और इस दौरान सेल जो है वो अपने आप को साइज में बड़ा करता चला जाएगा, इतना स्ट्रेच एलोंगेट और बड़ा साइज हो जाएगा। उसके बाद सेल के दरमियानी हिस्से में सेंट्रल पार्ट में एक फरो या एक दीवार सी बनना शुरू होगी, और इसके मुकम्मल होने के बाद, इसकी कंप्लीशन के बाद दोनों दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के सेम टू सेम होंगे, इसके अलावा ये पेरेंट सेल से भी बिल्कुल सेम होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, या वो जर्म सेल्स होते हैं या वो बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, बॉडी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स। यहाँ पर जो टाइप हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक की, ये माइटोसिस है जो कि सोमेटिक सेल्स में, यानी यूकैरियोटिक के सिंपल बॉडी सेल्स में होगी, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ और द यूकैरियोटिक सेल्स इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द टू फीचर्स, बाय द ओनली फीचर ऑफ अ न्यूक्लियस। ये वो तमाम सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है उनमें जो डिवीजन होगी वो माइटोसिस कहलाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा वो एक जाल, क्रोमोसोमल जाल के शक्ल में, क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होता है, ठीक है। जब सेल में डिवीजन शुरू होती है तो ये जाल सुलझ जाता है, अलग अलग होकर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि सोमेटिक सेल्स एंड बॉडी सेल्स एक टाइप है, हमारे जिस्म में बने हुए सेल्स दो किस्म के हैं, एक वो जो बॉडी सेल्स बना रहे हैं, बॉडी आपकी बना रहे हैं, और एक वो जो रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, तो इस वजह से दो किस्म की डिवीजन हमारी बॉडी में हो रही हैं, एक को हम माइटोसिस कहते हैं और हम दूसरे को मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस बॉडी सेल्स में सोमेटिक सेल्स में होती हैं, और मियोसिस जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती हैं। अब होता क्या है, हमारी बॉडी का, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक कंप्लीट सेट होता है 2N
कहलाता है और हम इसका नाम देते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, ये एक कंप्लीट परफेक्ट सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम यानी 23+23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह मियोसिस के जो सेल होगा यानी जर्म सेल, उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 46 ही होंगे, यानी ये सेल भी डिप्लॉइड होगा। अब होता क्या है, डिवीजन के एंड में क्या होगा कि जब नए सेल्स बनेंगे माइटोसिस में तो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल और पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ रहा है? और इसी वजह से दो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे जो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं तमाम कैरेक्टर्स के हिसाब से। मियोसिस में क्या होगा, डिप्लॉइड सेल जो है वो जब डिवाइड होगा तो पहले तो दो सेल्स बनाएगा जो के डिप्लॉइड होंगे, 46 वाले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें मज़ीद एक और स्टेप होगा डिवीजन का, और जिसके नतीजे में हाफ सेल जो है वो अलग हो जाएगा और हाफ सेल अलग हो जाएगा, हाफ क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, 23 एक सेल से दो 23 क्रोमोसोम्स वाले हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। हैप्लॉइड सेल्स वो सेल्स जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हों। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेल जो 46 का था वो जब डिवाइड होगा तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये होगा कि 23 वाले दो सेल्स 46 में से 23 के चार हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से हम मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे जो के एक दूसरे के तो आइडेंटिकल हैं लेकिन पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज माइटोसिस? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी न्यू सेल्स आर ओनली क्रिएटेड बाय द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पेरेंट सेल्स। क्या कहा, सेल थ्योरी की एक सबसे बड़ी जो बेस है वो ये है कि हमेशा नए सेल्स पुराने सेल्स यानी पेरेंट सेल्स से की डिवीजन से ही बनते हैं। तो इसलिए अब हम माइटोसिस की तारीफ इस तरह करेंगे कि बॉडी सेल्स में जब डिवीजन होगी तो इसको माइटोसिस कहते हैं, ए टाइप ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व्स ओनली द सोमैटिक सेल्स, एनी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या हैं, एक सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव सेल से अलग है, बॉडी सेल कहलाता है। इन सिंपलर टर्म ड्यूरिंग माइटोसिस अ सिंगल सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैंने अभी आपको बताया तस्वीर में भी, आपने चार्ट में देखा कि 46 के 46 जैसे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट, यू वेरी मच।